अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स यूनिवर्सिटी लाहौर एडमिशन 2022 के बारे में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे पास इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो लाहौर वाले कैंपस है इसमें हमारे पास जो प्रोग्राम्स हैं और एडमिशन के लिए कौन कौन से अवेलेबल हैं, इसके लिए हमने अप्लाई किस तरह से करना है और इसके हमारे पास स्कॉलरशिप वगैरह कौन कौन सी है, एडमिशन के बारे में सारी डिटेल है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले जो है मैंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन की, उसमें हमारे पास जो है इसका एडवर्टाइजमेंट फॉर्म अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और ये हमारे पास जो है एडमिशन फॉर 2022 है और कैंपस है हमारे पास लाहौर वाला। तो लाहौर कैंपस में हमारे पास अगर हम बात करें अवेलेबल प्रोग्राम्स की, तो इसमें हमारे पास जो करवा रहे हैं बीएस डिज़ाइन है, बीएस इंग्लिश, बीएस साइकोलॉजी, बीएस फार्मडी, बीएस स्टैटिस्टिक्स है, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस साइकोलॉजी है जी, बीएस आर्किटेक्चर है, बीएस फिजिक्स भी है, बीएस मैथमेटिक्स है, बीएस इंटीरियर डिज़ाइन है जी, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस, बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बीएस केमिकल इंजीनियरिंग, बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग है जी, एंड बीएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ये हमारे पास नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी है और बीएस मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ है। उसके बाद अगर हम बात करें मास्टर प्रोग्राम की, तो हमारे पास यहाँ पर है मास्टर इन एमबीए करा रहे हैं, एमएस एमबीए है, एमएस फिजिक्स, एमएस स्टैटिस्टिक्स है, एमएस केमिस्ट्री, एमएस इकोनॉमिक्स, एमएस मैथमेटिक्स है जी, एमएस कंप्यूटर साइंस, एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है जी, एमएस केमिकल इंजीनियरिंग है, एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड एमएस जो हमारे पास जो है मैनेजमेंट साइंस है, एमएस जो है वो इंग्लिश है, लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स है, लिटरेचर, एमएस एनर्जी एंड एनवायरमेंट्स है जी, एमएस इंजीनियरिंग है, एमएस मैथमेटिक्स और यहाँ पर लिखा हुआ कि ज्वाइंट प्रोग्राम भी जैसे इटली वाला भी इनके पास अवेलेबल है। फिर पीएचडी हमारे पास यहाँ पर पीएचडी इन फिजिक्स करवा रहे हैं, पीएचडी इन स्टैटिस्टिक्स है, पीएचडी इन केमिस्ट्री, पीएचडी इन मैथमेटिक्स, पीएचडी इन कंप्यूटर साइंस है जी, पीएचडी हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, पीएचडी इन मैथमेटिकल साइंस प्रोग्राम है। और इसमें हमारे पास जो अप्लाई की लास्ट डेट है लाहौर कैंपस के अंदर यहाँ पे 27 जुलाई 2022 है, उससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है। और जो एंट्री टेस्ट होगा इस्लामाबाद कैंपस 17 जुलाई 2022 से 31 जुलाई 2022 के बीच था, लाहौर कैंपस का 17 जुलाई 2022 से 7 जुलाई 2022 के बीच में होगा, ठीक है जी। और इसमें हमारे पास जो मेरिट लिस्ट है वो 15 अगस्त 2022 को जो है आपकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी। और जो क्लासेस की हमारे पास स्टार्ट होंगी वो 5 सितंबर 2022 से जो है इसकी जो क्लासेस हमारे पास स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह की और इसमें एडमिशन प्रोसीजर वगैरह की, तो ये हमारे पास एडमिशन प्रोसीजर है, इसमें अप्लाई आपने किस तरह से करना है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपने वहाँ पर जो है सिंपली जो कैंपस का जो नेम है वो चेंज करना है, ठीक है, इस्लामाबाद कैंपस से आपने इसको लाहौर कैंपस कर देना है। क्राइटेरिया वगैरह सभी जो डिपार्टमेंट्स का सेम है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 मैथमेटिक्स के जो क्राइटेरिया उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ कि आपने एफएससी वगैरह की होनी चाहिए, उसमें जो आपके मार्क्स हैं एटलीस्ट 50% हों और आप जो आपके पास जो है कि वैलिड टेस्ट स्कोर होना चाहिए कॉमर्स यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के मुताबिक, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पर बीएससीएस है उसका भी सेम टू सेम क्राइटेरिया है, ठीक है, तो आपने इस हिसाब से जो है इसमें अप्लाई कर लेना। और अगर हम बात करें स्कॉलरशिप्स की, तो हमारे पास यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो काफ़ी सारी स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं जो कि आप अटेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे शहबाज शरीफ मेट स्कॉलरशिप है और वर्क वेलफेयर फंड, वर्कर वेलफेयर फंड, एजुकेशनल पंजाब एजुकेशनल फंड, मतलब हमारे पास पेफ स्कॉलरशिप है, एच जी सी नीट बेस्ड स्कॉलरशिप है, तो इस तरह की जो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं वो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी और अच्छी भी लगी होगी। अब अगर आपके माइंड में इस वीडियो के मतलब कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके जी।